आज हम लोग सीखेंगे किसी भी कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं। चलिए, लिखा हुआ है ALP, इसका नाम क्या होता है। देखिए, सबसे पहले चीज जरूरी क्या है, वो है एलिमेंट। कौन से इसमें एलिमेंट का यूज किया गया है? AL का नाम क्या होता है? एल्यूमिनियम। देन P का मीन्स क्या होता है? फॉस्फाइड। लाल में फॉस्फाइड ना लिखकर ये गलत हो गया है। आजकल जो फॉर्मूला है इसकी नेमिंग कैसे करते हैं मैं बताऊंगा, बहुत आसान सा तरीका, जिससे क्या होगा इस कंपाउंड की हम नेमिंग सीखेंगे और भी किसी कंपाउंड की अगर नेमिंग आपको करनी पड़ जाएगी तो इसी कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले आपको पता चाहिए एलिमेंट के बारे में। देखिए, सबसे पहला स्टेप भी कह सकते हैं, पहला स्टेप क्या होता है, इनका सिम्बल लिखिए आप। सिम्बल का नाम क्या होता है? एल्यूमिनियम। इसे क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम। देन पी को बोलते हैं हम लोग फास्फोरस के नाम से आते हैं। ये दो आपके होते हैं, एल्यूमिनियम एंड फास्फोरस होता है। अब चीज समझने की कोशिश करिए, ये जो बना हुआ फॉर्मूला है इसमें दो एलिमेंट यूज किए, कौन कौन से? एल्यूमिनियम एंड दूसरा है फास्फोरस। फिर आता है आपका जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है आयन। आयन के कई नाम होते हैं, रेडकन एंड इसको मूलक के नाम से जानते हैं। और आयन का मीन्स क्या होता है? प्लस एंड माइनस ही तो होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव। इस कॉन्सेप्ट में क्या है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, AL एंड P में। जो AL होता है वो होता है पॉजिटिव फॉर्म में, जो P होता है वो होता है नेगेटिव फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा, एल्यूमिनियम की जो वैल्यू होती है प्लस का 3, देन इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस का 3 होती है। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों की वैल्यू सेम है, क्लियर। तो क्या आएगा? ALP। प्लस माइनस का यूज केमिकल रिएक्शन करते समय करते हैं, अदरवाइज केमिकल फॉर्मूला बनाते समय नहीं करते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया, अभी तक मैंने तो समझाया, क्या समझाया, कौन कौन से एलिमेंट यूज किया गया, आयन क्या होता है। फिलहाल आयन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री के लिए, इसको जरूर आपको जितना हो सके उतना डीपली पढ़ें, और बाकी जो नंबर्स हैं वो प्रैक्टिस करते 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 आपको जरूर आ जाएगा, आई श्योर। देन अब इसका नाम की बात करें, एल्यूमिनियम को तो एल्यूमिनियम ही बोलते हैं। देन जो पी है, पी का मतलब फास्फोरस, फास्फोरस क्या बोलते हैं? फास्फाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फास्फाइड बोलते हैं। तो ये क्या नाम होगा इसका? एल्यूमिनियम फास्फाइड। तो ये कॉन्सेप्ट आपको को कैसा लगा? मुझे कॉन्सेप्ट आपके जो इजी लगा कॉन्सेप्ट, आई होप, तो ये फटाफट आप कमेंट करके बताइएगा ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। मैं मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।